हरे कृष्णा राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को मैडम राम। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हमें जो है एक गिफ्ट मिली है, एक पार्सल आया है। कल शाम के टाइम पे आया था पर मैंने उसको खोला नहीं क्योंकि मुझे इसका अनबॉक्सिंग का जो है वीडियो बनाना था। तो ये पार्सल मुझे आया है राघव गुप्ता जी से, जो कि होस्ट है लाडली लाल चैनल के, यानी कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम लाडली लाल चैनल है, और साथ ही में जो है ये सेलिंग का भी काम करते हैं। और इन्होंने आज हमें जो है गिफ्ट भेजी है, तो इसके अंदर मैंने खोल के नहीं देखा कि क्या भेजा है उन्होंने। इसको जब हाथ लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है और इसके अंदर से छुन छुन सी आवाज भी आ रही है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता इसके अंदर क्या है। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या, हमारे लिए मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए क्या गिफ्ट आया है, देखते हैं। तो इस गिफ्ट को मैं खोल रहा हूँ अभी, और ये मेरी वॉइस एडिटिंग है, बिकॉज़ जिस टाइम पे मैं इस पैकेट को खोल रहा था उस टाइम पे मेरे आजू बाजू में बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, इस वजह से मुझे जो है वॉइस एडिटिंग दोबारा करनी पड़ी, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो भावनाएं मेरी उस टाइम पे थी वो जो है, मैं उस टाइम पे एक सरप्राइज टाइप सा जो भावना होता है वो आपके साथ में उत्कंठ अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी पता है कि इसके अंदर क्या है। तो मैं जब इस गिफ्ट को खोल रहा था तो मैं बहुत ही इसको सावधानी से खोल रहा था, और एक्चुअली ये कुरियर मुझे DTDC कुरियर से आया है, और मैं इसको खोल रहा हूँ और एकदम मैं ऐसे इसको ऐसे खोल रहा हूँ कि जैसे कि इसका जो है वो कुछ इसके अंदर कुछ है तो फटे ना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजी है ये पोशाक, और उलन की पोशाक दिख रही है, और साथ ही में अंदर साइड में और भी कुछ सरप्राइज जो है वो था पोशाक के अंदर छुपाया हुआ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गजब का लगा। और मुझे सब शुरू में लगा कि पैकेजिंग को देख के कि थोड़ा सा कि शुरू में ही थोड़ा सा लगा था कि इसके अंदर ऐसा कुछ होगा जो टूटने फूटने का डर नहीं है। तो पोशाक एक बार आप देख लीजिए, डिज़ाइन आप देख लीजिए, और मैं पागल की तरह और उसके अंदर देख रहा था कि कुछ है या नहीं है। और ये कैप आप देख सकते हैं, इसके साथ में उन्होंने मुझे कैप भी भेजी है, मतलब कि लड्डू गोपाल जी पहनेंगे तो पूरा का पूरा श्रृंगार पहनेंगे। और ये कैप और ये ड्रेस मैं रखता था उस साइड में। कलर कॉम्बिनेशन आप एक बार देखिए, बहुत ही ज़्यादा गजब का उन्होंने किया है। और यही नहीं, मैंने इनके और भी सारे डिज़ाइंस देखे हैं, तो बोल सकते हैं कि इनका जो है सेंस ऑफ जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने यूज़ किया है, काफ़ी डिसेंट कलर्स है, और जो ये क्रीम पीच कलर है एक्चुअली, और साथ ही में ग्रीन कलर है और वाइट कलर है। वाइट कलर की वैसे तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा पोशाकें हैं। अभी मैं खोल रहा हूँ ड्रेस, सॉरी ज्वेलरी। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया ये सिरपेच, दोनों सिरपेच आया एक्चुअली। तो ये मैं जब खोल रहा था तो इसके अंदर उन्होंने यूज़ किए थे कुंदन्स और क्रिस्टल वाले मोती और वाइट मोती। वाह वाह वाह, इतने गजब के ये जो है ना, कि क्या बोल सकते हैं कि क्वालिटी जो है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं खुद भी बना लूँ तो मुझे सामान तो कहीं पे नहीं मिलेगा। एक्चुअली ऐसी बात है कि सामान कहीं पे मिल ही नहीं पाएगा मुझे। और ये इसके साथ में जो है ये उन्होंने लटकन भेजी है, मुझे इसका नाम नहीं पता, आप मैं उतना पुष्टि मार्ग के बारे में नहीं जानता, तो आपको पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। साथ ही में ये आए हैं बाजू बंद, और साथ में उन्होंने भेजे हैं कंगन इसके मैचिंग में, और ये है अलकावली, इसे अलकावली बोलते हैं ये मुझे पता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। और कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिया है इन्होंने, पिंक ग्रीन एंड मोती, जैसे कि साउथ इंडियन टचअप भी देता है एक तरीके से, रजवाड़ी लुक भी देता है। और मैंने जैसे कहा क्वालिटी, कुंदन जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं इन्होंने इसके अंदर। अभी मैं निकाल रहा हूँ इसके कंगन, तो कंगन जो है
इन्होंने वायर के अंदर पिरो के बनाया है, जिसको कि फ्लेक्सिबल है, हम इसको अच्छे से मोड़ भी सकते हैं, और तो और मतलब कि इसको जो है ये भी कर सकते हैं अच्छे से, फिर से स्ट्रेट भी कर सकते हैं। फिर भेजी है एक पायल, जो छुन छुन की आवाज़ आ रही थी वो थी पायलों की, और ये इयररिंग्स है मैचिंग के, बिल्कुल जैसे है उसके मैचिंग के हैं। और मेन इसके अंदर की जो है वो बात है नेकलेस। जी हाँ दोस्तों, कि ये नेकलेस आप एक बार देख लीजिए, मैं तो एक इसको देख के पागल हो गया था, क्योंकि इतना गजब का, इतना भरा हुआ और इतना क्वालिटी में सुपर था नेकलेस। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि इतनी दूर से किसी ने पहली बार मुझे गिफ्ट भेजा था। और स्पेशल बात ये थी कि काशी से ये मेरे लिए आया था, वाराणसी से आया था, तो भैया जो है काशी विश्वनाथ के आसपास में ही कहीं पे रहते हैं, तो मेरे लिए तो जैसे काशी विश्वनाथ भगवान का प्रसाद स्वरूप ही आया हो, उनके चरणों से ही कुछ आया हो। एक बार आप ये नेकलेस देख सकते हैं कि कितना गजब का ये उन्होंने इसके अंदर दिया है। गोल्डन भी है और साथ ही में मतलब कि वाइट भी है, और पूरा पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन गजब का लग रहा था। इसकी तारीफ जितनी करूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। एंड गाइस, आप एक बार ये सेट देख लीजिए, इसके साथ का श्रृंगार वाला वीडियो में भी मैं आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूंगा दोस्तों। ड्रेस तो मैं अलग से पहनाऊंगा, परंतु ये ज्वेलरी जो है काफ़ी रॉयल ज्वेलरी है, और मैं इसको, मेरी एक ड्रेस आपने दिखी होगी तो वो मैं तुलसी विवाह पे इस ड्रेस के साथ पहनाऊंगा। साथ ही में मेरी सिस्टर भी बैठी थी, तो उसको या फिर मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को जो है ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं राघव भैया का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप ये ज्वेलरी परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये सीखना भी चाहते हैं, तो वो आपको सिखा भी देंगे। इनका यूट्यूब का चैनल है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और नंबर तो आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा है। बाकी और मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, क्योंकि दिल में जो भावना है वो शब्दों के द्वारा बताना वो थोड़ा सा मुश्किल जाता है मुझे, परंतु इतना कहूंगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी के जो है वो है मज़े, क्योंकि इतनी सुंदर ज्वेलरी पहने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। और साथ ही में जो है मैं फिर से एक बार राघव भैया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी सुंदर हमें जो है ज्वेलरी भेजी है। एंड ए ड्रेस, ये पूरी गिफ्ट भेजना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक तरीके से सरप्राइज गिफ्ट ही थी। मैं शब्दों के द्वारा जो है इसकी कितनी भी तारीफ करूं वो कम ही है, मेरे मन के अंदर जो भी मेरी भावनाएं हैं वो मैं आपको शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता, क्योंकि इतना सुंदर गिफ्ट, और मेरे ख्याल से ये मुझे पहली बार किसी ने गिफ्ट भेजा है। तो इनके चैनल का लिंक जो है यूट्यूब चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही में इनका व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उनसे परचेज भी कर सकते हैं, आप उनसे खरीद भी सकते हैं। मुझे इनकी बात ये बहुत अच्छी लगी कि अगर आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, और बहुत सारे सेलर्स जो है चीजें छुपाते हैं, हमारी कला को छुपाते हैं कि वो कैसे बना रहे हैं। आप इनको मतलब इनकी इनकी जो चीजें हैं वो खरीद भी सकते हैं, और साथ ही में बना भी सकते हैं। मैं फिर से एक बार राघव भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे गोपाल जी के लिए इतनी सुंदर ज्वेलरी बनाई है। ये ज्वेलरी मैं तुलसी विवाह के दिन पहनाऊंगा, आपके साथ में श्रृंगार का वीडियो जरूर शेयर होगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।